वाईपीएन एंटरटेनमेंट की जानी अनजानी श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज बातें एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने उत्कृष्ट संगीत, गायन, अभिनय और फिल्म निर्माण करके सिने जगत में अपनी एक खास जगह बनाई, परंतु लोकप्रियता पाई एक संगीतकार के रूप में अपनी बेशकीमती संगीत धुनों की वजह से। मराठी फिल्मों से अपना करियर प्रारंभ करने वाले इस कलाकार ने एक और फिल्मों में अलग अलग नामों से संगीत रचा तो दूसरी ओर अपने उपनाम से गीतों को अपनी आवाज देकर संगीत प्रेमियों को गुनगुनाने और गुदगुदाने के लिए बाध्य भी किया। विविध कला और विविध नाम, परंतु कलाकार एक, और वो कलाकार हैं रामचंद्र नारहर चितलकर। जी हाँ, विख्यात संगीतकार सी रामचंद्र। ये जिंदगी उसी की है शोला जो भड़के, आधा है चंद्रमा, कितना हंसी है मौसम, मेरे पिया गए रंगून, ईना मीना डीका, ऐ मेरे वतन के लोगों, दिल लगाकर हम ये समझे तू छिपी है कहाँ, जैसे कर्णप्रिय गीतों में संगीतकार सी रामचंद्र की सुमधुर संगीत धुनों और उनकी गायकी को भला कैसे भुलाया जा सकता है। 12 जनवरी 1918 को अहमदनगर महाराष्ट्र के पुतांबे गाँव में जन्मे सी रामचंद्र बचपन से ही संगीत के उपासक थे। उनके पिता रेलवे में एक स्टेशन मास्टर थे। जब वे छोटे थे वे सैनिक या संगीतज्ञ ही बनना चाहते थे, लेकिन उनका अधिक रुझान संगीत की ओर था। पिता ने बेटे की इस इच्छा को जानकर उन्हें विख्यात संगीतज्ञ शंकर राव सप्रे के पास भेजा संगीत की प्रारंभिक शिक्षा के लिए। 6 साल तक शंकर राव सप्रे से शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेने के बाद गंधर्व महाविद्यालय के गुरु विनायक क्यूबा पटवर्धन से उन्होंने संगीत की शिक्षा दीक्षा ली। उनके पिता नागपुर में पोस्टेड थे, अतः उनकी स्कूली पढ़ाई नागपुर और उसके बाद पूना शहर में हुई। स्कूल में सी रामचंद्र जी का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था, परंतु एक्टिंग और सिंगिंग प्रोग्राम्स में वे भाग जरूर लिया करते थे। जब वे 9वीं कक्षा में थे, क्लास बीच में छोड़कर वे शूटिंग देखने चले गए। परिणाम ये हुआ कि उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली। पढ़ाई छोड़कर सी रामचंद्र जी कोल्हापुर आ गए। साल था 1933। मात्र 15 साल की उम्र में एक विज्ञापन में उन्होंने सबसे पहले काम किया। एक्टिंग और सिंगिंग दोनों ही कामों को उन्होंने इतने सुंदर ढंग से किया कि ललित पिक्चर्स की एक फिल्म में उन्हें काम मिल गया और वे फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए 40 रुपए मासिक वेतन पर चुन लिए गए, परंतु ये फिल्म पूरी न हो सकी। कुछ समय तक शानी सिनेटोन में भी उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्हें एक फिल्म मिली नागानंद। इस फिल्म में सी रामचंद्र जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सम्राट सिनेटोन बैनर की इस फिल्म के निर्माता थे वाई वी राव। साल था 1935, परंतु ये फिल्म फ्लॉप रही। फिल्म पूरी करने के बाद सी रामचंद्र जी अपने गांव वापस आ गए। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने कदम रखा माया नगरी बम्बई की ओर। साल था 1937। यहाँ आकर सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई फिल्मकार सोहराब मोदी से। सोहराब मोदी सी रामचंद्र जी की सिंगिंग स्टाइल से बेहद प्रभावित हुए। मिंडरवा मूवी टोन के साथ उन्होंने प्रारंभ में कुछ फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं भी की। ये फिल्में थी 1936 में सईदे हवस और 1937 में आत्मतरंग। युवा सी रामचंद्र जी मेहनती थे, उन्हें काम की तलाश थी। अनेक जगहों पर भटकने के बाद वे वापस सोहराब मोदी के पास गए। संगीत के प्रति उनके लगन को देखते हुए सोहराब मोदी ने उन्हें अपनी म्यूजिक टीम में शामिल कर लिया, जहां उन्होंने प्रख्यात संगीतकार मीर साहब के सहायक बनकर फिल्म संगीत के बारे में जानकारियों के साथ साथ बिंदु खान और हबीब खान जैसे उस्तादों से हारमोनियम बजाना भी सीखा। काम के दौरान ही एक दिन उनकी मुलाकात हुई उस समय के लोकप्रिय अभिनेता भगवान दादा से, जो उस समय फिल्म निर्माण में अपना पहला कदम रख रहे थे। भगवान दादा और सी रामचंद्र जी दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। साल 1939 में भगवान दादा ने बनाई पहली तमिल फिल्म जयाकोटी और फिल्म में संगीत दिया सी रामचंद्र ने। भगवान दादा की दूसरी तमिल फिल्म वनमोहिनी में भी सी रामचंद्र जी ने ही संगीत दिया। दोनों ही फिल्में बेहद हिट रही। संगीत प्रेमियों ने सी रामचंद्र के संगीत के साथ साथ फिल्म में उनके गाए तमिल गीत को भी खूब पसंद किया। इधर सी रामचंद्र जी हिंदी फिल्मों में भी संगीत देना चाहते थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई मौका नहीं मिला था। जयाकोडी और वनमोहिनी जैसी तमिल फिल्मों के बाद भगवान दादा ने अपनी तीसरी फिल्म बनाई सुखी जीवन, जो हिंदी भाषा में थी, और हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने संगीतकार के रूप में सी रामचंद्र जी को ही चुना। 1942 की ये फिल्म सी रामचंद्र जी की बतौर संगीतकार पहली हिंदी फिल्म थी। प्रारंभ में मुस्कुराहट, जबान, दिल की बात और ललकार जैसी फिल्मों में सी रामचंद्र ने संगीत दिया। अब उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, सिने जगत में लोग उन्हें जानने लगे।
तभी निदेशक द्वारका खोसला ने उनकी मुलाकात कराई सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक जयंत देसाई से। देसाई साहब को युवा रामचंद चितलकर का काम पसंद आया, परंतु उन्होंने उनका नाम रामचंद चितलकर परिवर्तित करके सी रामचंद कर दिया और 300 रुपए मासिक वेतन पर बतौर संगीतकार उन्हें नौकरी दे दी। जयंत देसाई की 5 फिल्मों में संगीत का सी रामचंद ने संगीत दिया। इन फिल्मों का संगीत बेहद कामयाब रहा। ये फिल्में थी 1943 की भक्तराज, 1944 की मनोरमा और 1945 की सिल्वर जुबली हिट फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त। सी रामचंद्र जी ने संगीत का सी रामचंद्र इस नाम से अधिकांश फिल्मों में संगीत दिया और लोकप्रियता भी पाई, परंतु उन्होंने फिल्मों में अलग अलग नामों से भी संगीत दिया। बहादुर प्रताप, मतवाले और मददगार जैसी स्टंट फिल्मों में अन्ना साहब और फिल्म सुखी जीवन बदला, मिस्टर झटपट, बहादुर और दोस्ती में राम चितलकर और फिल्म ये है जिंदगी में श्यामू के नाम से संगीत दिया, परंतु गीतों को अपनी आवाज दी गायक चितलकर के नाम से। भगवान दादा, याकूब और गोप जैसे अभिनेताओं के लिए उन्होंने चितलकर के नाम से कई लोकप्रिय गीत गाए। सफर, शहनाई, सरगम, नदिया के पार, अनारकली और नास्तिक जैसी सिल्वर और गोल्डन जुबली फिल्मिस्तान की फिल्मों को म्यूजिकल हिट बनाए सी रामचंद्र के कर्णप्रिय संगीत ने। खिड़की, अलबेला, निराला, शारदा, देवता, तलाक, अमरदीप, नास्तिक, आशा, तीरंदाज, इंसानियत, पतंगा, मीनार सहित लगभग 105 फिल्मों में सी रामचंद्र ने कर्णप्रिय संगीत दिया। इन फिल्मों में निर्माता निदेशक वी शांताराम के साथ स्त्री, परछाइयां, सुबह का तारा और नवरंग जैसी फिल्मों के गीतों में उनके संगीत के अलग अलग रंग हमें सुनाई देते हैं, जिनकी लोकप्रियता आज तक बरकरार है। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, प्यारे लाल संतोषी, शैलेन, हसरत जयपुरी, शकील बदायूनी, कवि प्रदीप, नूर लखनवी जैसे सुप्रसिद्ध गीतकारों के साथ उन्होंने अनेक हिट फिल्में दी सिने जगत को। साल 1953 में न्यू साई प्रोडक्शन बैनर का निर्माण करके उन्होंने 1953 में झांझर और लहरें और 1955 में दुनिया गोल है जैसी हिंदी फिल्मों का निर्माण किया। उसके बाद साल 1964 में धनंजय और 1970 में घारकुल जैसी मराठी फिल्मों का भी निर्माण किया सी रामचंद्र जी ने। 5 जनवरी 1982 को इस अद्भुत कलाकार ने अंतिम सांस ली और हमेशा के लिए अपने चाहने वालों से जुदा हो गया। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का खो गया, प्यार ही में खो गया। जाने अनजाने की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है हमें जरूर बताइए। लाइक करके, शेयर करके और अपने कमेंट्स लिखकर फ्री सब्सक्राइब करके आज ही वाइटिंग एंटरटेनमेंट चैनल से जुड़ जाइए। शुक्रिया।